राघव ये लो, ये दुपट्टा मैंने पश्मीना के लिए लिया है, अपने सामान में रख लो और मेरी तरफ से दे देना, ठीक है? क्या हुआ, तैयार नहीं हो ना? रीवा, उस दिन जब पश्मीना ही घर छोड़ के गई थी, तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? हाँ, बहुत कुछ कहा था, गाली दी थी, बुरा भला कहा था और आई थिंक डांटा भी था। ठीक किया था, गलती मेरी थी। यस, पर अब तुम उस गलती को सुधार रहे हो। और दादी कहती है ना, जो बीत गई सो बात गई, तो अब जाओ उसके पास और हाँ, ये शगुन का दुपट्टा देना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? रीवा, उसने अगर लौटा दिया तो? तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो राघव, मैंने तुम्हें उसके बिना तिल तिल के जीते देखा है, एंड आई एम श्योर वो भी तुम्हारे बिना इतनी अधूरी है, तो अब जाओ उसके पास। और वैसे भी मैंने तो ऐसा सुना है कहीं कि मेरे भाई की स्माइल इतनी किलर है कि लड़कियां ना पागल हो जाती हैं। ज्यादा सोचो मत राघव, जस्ट फील करो एंड गो। पश्मीना की जिंदगी में आग लगी है राघव, उसके पास जाओ, उसकी एक दर्द भरी आवाज से तुम आज अपने पैरों पर उठ खड़े हुए हो, महीनों से इस व्हील चेयर पे बैठे थे लेकिन उसकी एक इमोशन तुम्हारे अंदर एक नई जान भर दी है, जस्ट लुक एट यू। और जो तुम आज ही अपने पैरों पर खड़े हुए हो, ये सिर्फ उसके लिए है, या उसके दर्द की वजह से, आई डोंट नो राघव, मैं बस इतना जानती हूँ कि एक बार तुम उसे खो चुके हो और शायद वो वक्त तुम्हारा नहीं था, लेकिन अब वक्त तुम्हारा है राघव, जस्ट गो। यू नो राघव, बहुत लकी हो तुम, बहुत नसीब से ऐसी मोहब्बत मिलती है, ये तो वो वाली मोहब्बत जिसपे गाने लिखे जाते हैं, जिसमें फिल्में बनती हैं। हर किसी को ऐसी मोहब्बत नसीब नहीं होती राघव, कुछ लोगों की किस्मत में तो बस। ए, अपने दिल की हर बात कर सकती हो तुम मुझसे, तेरा भाई हूं मैं, डोंट एवर फॉरगेट दैट। आई नो, और मेरे भाई कश्मीर की फ्लाइट का टाइम हो रहा है, तो जल्दी निकलो। जाऊंगा, लेकिन पहले एक जवाब चाहिए मुझे, ये सुनील बीच में कहां से आ गया फिर से? सब कुछ क्लियर था ना रीवा, तलाक ले रही थी तुम उससे और तुम्हें पता था वो एग्जैक्टली क्या है कैसा है, तो फिर अब ये सब क्या चल रहा है? मैंने अपने रिश्ते को एक और मौका देने का सोचा रखा, जस्ट लाइक यू। सुनो राघव, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे इस घर में सिर्फ टूटे दिल और टूटे रिश्ते बसते हैं, फिर मुझे सुनील ने समझाया कि मुझे कभी कोई और नहीं मिलेगा, मुझे कभी मोहब्बत नहीं मिलेगी राघव, और मैं शायद यही डिजर्व करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ उसके बाद तुम तो जानते हो, आई लॉस्ट माई बेबी, उसके बाद मैं कमजोर पड़ गई थी, इसलिए मुझे सुनील के सहारे की जरूरत थी, और सुनील बदल गया है राघव, अब वो वैसा नहीं रहा। अच्छा, तुम्हें सच में लगता है कि सुनील बदल सकता है इतनी आसानी से? अरे हाँ, देखो मुझे, मैं कितनी खुश हूँ, और वो भी तो खुश लगता है ना। आई डोंट केयर अबाउट हिम, वैसे भी वो कब घर आता है कब बाहर रहता है कुछ पता नहीं चलता। अरे अरे, पर बाहर के काम भी तो किसी को संभालने पड़ते हैं ना राघव, हमें इतने सारे फोन कॉल्स, क्लाइंट्स, कभी ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट्स 5 घंटे आगे, कभी लंदन के क्लाइंट्स 7 घंटे पीछे, हमें और बीच में सुनील, ये सब तो संभालना पड़ेगा ना। और तुम ही चाहते थे ना राघव कि सुनील ऑफिस के कामों में ज्यादा इंटरेस्ट ले, तो ले रहा है। मुझे बस इस बात की हैरानी है कि आदमी काम करने लायक भी है। You know what I mean? Yes, sir. You be careful, okay? Yeah. माफ कर देना भाई, अपनी शादी की सच्चाई से तुम्हें खुद छुपती रहती हूँ, इस सच्चाई का बोझ तुम पे डाल के तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती। मैं अपने दोस्त, अपनी बेस्टी को उसकी जिंदगी तक जाने से नहीं रोकूंगी,
मैं तो उसे ऑल द बेस्ट कह के उसे भेजूंगी और गौरव की जाओ जीत लो पश्मीना को। आज तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया आयशा, पर तुम एक माँ नहीं हो ना, तुम बस अपने दोस्त की खुशी चाह रही और मैं अपनी बेटी की जिंदगी, मैं अपने बेटे को इस पागलपन का शिकार दोबारा नहीं होने दूंगी। एंड आई एम श्योर प्रीति भी यही चाहती है कि पश्मीना और राघव ना मिले। प्रीति को वॉन तो मैंने कर ही दिए, जो काम मैं यहां नहीं कर पाई कश्मीर में प्रीति करेगी, वो राघव और पश्मीना को नहीं मिलने देगी। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? मैं और तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। ओए चिढ़ाना मेरी नू को। हाँ राघव के पैर ठीक हो गए, वो कश्मीर आ रहा है। मेरे ऋषि जैसे लंगूर को हूर मिली है, कितने मंदिरों के चक्कर काटे मैंने, कहां कहां नहीं मत्था टेका, कहां कहां नहीं मन्नत मानी, तब जाके ये मिली है तुझे, समझा मेरा प्यारा सा लंगूर। अच्छी है ना अपनी पोशाही, तो बिल्कुल जन्नत से उतरी हूर लग रही है। हाँ। ये तो बस सगाई है, शादी में तो और खिलके आएगा। हाँ। पश्मीना की सगाई हो चुकी है। शादी तो नहीं हुई ना, एक अंगूठी मुझे मेरी पश्मीना से दूर नहीं कर सकती। नमस्ते, मैं प्रीति सूरी बोल रही हूँ। नहीं पंडित जी, मुझे देर नहीं करनी है, कोई जल्दी वाला मुहूर्त निकालिए ना, इसीलिए मैंने दोनों की कुंडली भी भेजी थी आपको। हाँ बहन जी, मिल गया। 2 हफ्ते बाद बहुत अच्छा सा मुहूर्त है। 2 हफ्ते? जल्दी है क्या? अगले महीने भी एक मुहूर्त है। नहीं नहीं, 2 हफ्ते ठीक है। धन्यवाद पंडित जी। नमस्ते, नमस्ते। हाँ प्रीति जी। मिंटी जी, आपसे बात करनी थी। पंडित जी मिले थे, वो कह रहे थे कि आपके द्वारा डायल किए हुए नंबर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। प्रीति आंटी ने पश्मीना को मुझे ब्लॉक करने को तो नहीं कहा होगा? एक मिनट, एसएमएस तो जाएगा। पश्मीना प्लीज कॉल मी बैक, मैं तुम्हें फोन करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, वॉइस नोट भी भेजा है मैंने, प्लीज कॉल मी बैक। शम्भू जी प्लीज एक बार मेरी पश्मीना से बात करवा दीजिए, प्लीज एक बार। ओए ऋषि पुत्र, तूने सुना 2 हफ्ते में तेरी शादी पश्मीना के साथ है? ओए हम मानते हैं कि 2 हफ्ता कम टाइम है, ओए तो फिकर ना कर, सारा अरेंजमेंट हो जाएगा। क्यों? और वैसे भी ऋषि सब तो रेडी है, क्या बोलता है कर ले 2 हफ्ते में शादी, बोल ना। यस दादी, मैं रेडी हूँ। आप दुल्हन से पूछो वो रेडी है या नहीं। हाँ हाँ क्यों नहीं पूछते। यार मैं जानता हूँ कि बहुत ज्यादा जल्दी है, लेकिन नेक्स्ट मंथ मेरे को लंदन जाना है और बहुत जरूरी काम है, मुझे नहीं पता वहाँ कितना टाइम लगेगा, और हमें ये भी नहीं पता कि नेक्स्ट शुभ मुहूर्त कब निकलेगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। यार पश्मीना तुमने हाँ बोल दी, मेरा लक खुल गया, और मैं ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं लाना चाहता जहाँ तुम्हें मुझे ना करनी पड़े। यार तो प्लीज बताओ कि तुम क्या सोचती हो। शिकारा ले लो, शिकारा। बेटा शिकार लो ना। मुझे पता था, मैंने मॉम को बोला था जल्दी, लेकिन प्रीति मॉम ने मुझे तुमने तुमने हाँ बोला। मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा राघव, वरना हर चीज को तुम्हें देख के याद करती रह जाऊंगी।
पश्मीना? हाँ मेरी हाँ है ऋषि, अगर दो हफ्तों में हमारी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हारे साथ लंदन आ पाऊंगी। भगवान थैंक यू सो मच, पश्मीना ने हाँ कर दी। थैंक यू, चलते हैं। अम्मा को बताती हूँ। सो बैटरी डेड है। मिंटो पश्मीना ने हाँ कर दी है। पश्मीना ने हाँ कर दी। ये खुशखबरी मैं प्रीति जी को देती हूँ। हाँ हाँ जल्दी जल्दी अब तैयारियां शुरू कर, है मेरे ऋषि की शादी। सलाम अलैकुम। नमस्ते, मोटर अंदर है, आइए अंदर आइए। ये गोनी और टेप से क्या होगा, कभी ना कभी निकल जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कोई परमानेंट इलाज ढूंढिए ताकि जख्म नासूर ना बन जाए। उषा के सारे जख्म भर दूंगी मैं, नासूर नहीं बनने दूंगी उन्हें। SMS? पश्मीना प्लीज रिप्लाई, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, वॉइस नोट भेजा है, सुनो प्लीज रिस्पॉन्ड। पश्मीना आई लव यू। आपकी लोअर बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी है। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर? ये कभी चल नहीं सकेगी। बस अब तुम मेरी सुनो पश्मीना सुरी, मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। ठीक है, मेरी वजह से हुआ, अब इसको ठीक भी मैं ही करूंगी। नहीं कर सकती तुम कुछ ठीक, और ना ही मैं करने दूंगा। गेट आउट ऑफ माई लाइफ। कौन साहब वो ठीक तो होंगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।